अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाना फातिमा, जो कि हम आप एक वीडियो का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है विशाखापट्टनम। क्या है विशाखापट्टनम? मेरे ख्याल से जगह का नाम है, ये कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश वाइजेड सिटी भी कहते हैं इसे, है ना? जी बिल्कुल, वाइजेड सिटी। जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कितना सुंदर है। दोस्तों ये है विशाखापट्टनम, जिसे आमतौर पर वाईजैग या फिर द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, तथा ये हमारे देश के कुछ सबसे पुराने पोर्ट सिटीज में से भी एक है। आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित विशाखापट्टनम शहर अपने सुरम्य समुद्री तटों एवं शांत वातावरण के साथ साथ समृद्ध एवं सांस्कृतिक अतीत के लिए जाना जाता है। यहाँ का विशाखापट्टनम पोर्ट भारत के कुछ सबसे बड़े शिपयार्ड का घर माना जाता है। यह शहर साल भर देश के हर कोने से आने वाले पर्यटकों से भरा रहता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर दिखने और दिखाने लायक कई दिलचस्प जगहें मौजूद हैं, तथा वर्तमान में वाईजैग एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा जादू है कि जो यहाँ एक बार आता है वो फिर यहीं का होकर रह जाता है। आप यहां साल के किसी भी महीने में आकर अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि यहां का मौसम साल भर काफी सुहावना रहता है। यह शहर समुद्र तल से 45 मीटर की ऊंचाई पर तकरीबन 681 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है। अथवा हाल के दिनों में शहर में हो रहे डेवलपमेंट के कारण कई सारे इंटरनेशनल और घरेलू कंपनियां विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं। विशाखापट्टनम देश के टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में शुमार है, जहाँ की अनुमानित GDP 55.1 बिलियन USD तक होने की उम्मीद है, जो भारत की बढ़ती इकोनॉमी में अहम योगदान रखता है। साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 17 लाख के आसपास थी, जिसमें यहाँ की लिटरेसी रेट 82% की है। यहाँ के 90% लोग तेलुगु में बात करते हैं, तथा हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ मात्र 10% की है। वहीं आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विशाखापट्टनम में महिलाओं की आबादी पुरुषों से काफी कम है। यहाँ प्रति 1000 मर्दों पर महज 973 औरतें पाई जाती हैं। रिलीजियस बेसिस पे देखें तो यहाँ की कुल आबादी में 92.32% हिंदुइज्म, 3.85% मुस्लिम्स और 3.07% जैन समाज के लोग निवास करते हैं। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा है, तथा ये देश में एकमात्र ऐसा शहर है जहां दो बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। वहीं साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले INS गुरसुरा को यहाँ के समुद्री तट पर म्यूजियम के रूप में रखा गया है, जो यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। और आइए अब जरा मुंह में पानी ला देने वाले विशाखापट्टनम के कुछ लाजवाब व्यंजनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के स्ट्रीट फूड में इडली डोसा, लीवर कबाब, हैदराबादी बिरयानी और यहाँ के लाजवाब नॉन वेज थाली का चटकारा ले सकते हैं। विशाखापट्टनम की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को देखें तो ये पूरा नगर ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें सी पोर्ट, सड़क, वायुमार्ग एवं यहाँ का विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन शामिल है। ये रेलवे स्टेशन साउथ कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जाता है, जहाँ देश के दुरुस्त हिस्सों तक ट्रेनें जाती हैं। विशाखापट्टनम में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, जो कि मिलिट्री और पब्लिक दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। और यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब जरा हम जान लेते हैं विशाखापट्टनम के सुनहरे इतिहास के बारे में। तो इस शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बसाया गया था, जिसका उल्लेख पाणिनी और कात्यायन के संस्कृत लेखों में साफ साफ देखने को मिलता है। यह वही नगर है जहां हजारों वर्ष पहले वेंगी साम्राज्य और पल्लव वंश के कई शासकों ने शासन किया था। तब इसे विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। और आइए अब आखिर में यहां कुछ चुनिंदा पर्यटन स्थलों के बारे में नजर डाल लेते हैं। तो यदि आप कहीं वाईजैग घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहां आर्कू वैली, सबमरीन म्यूजियम, लाइट हाउस, श्रीवारह लक्ष्मी टेंपल, कैलाश गिरी मंदिर और यहाँ के लांबा सिंगी का सैर कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे विशाखापट्टनम सिटी के बारे में? क्या लगा आपको, कैसे देख
बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत शहर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर आपको मिल जाती हैं। आपको वहाँ पर फॉर विज़िटर्स भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। आपको इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो लोग नहीं जानते हैं वहाँ पर, आप उनको भी वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की मालूमात दी गई थी, तो वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया। बिल्कुल। अच्छा, कुछ इंडियन सिटीज़ के नाम बताएं जो आपको वैसे ही पता हो। पटना बिहार तो मेरे ख्याल से सभी को पता होते हैं, उसमें अच्छा। तो कोई ऐसे नए नाम नहीं है। क्या वजह पटना और बिहार का, क्या आखिर को बिहारी बहुत मशहूर लोग होते हैं। अच्छा। मतलब एक पटना बिहार का नाम है इंडिया की। और इसके अलावा? इसके अलावा बहुत ज़्यादा तो नहीं नाम। मुंबई, मुंबई तो फिल्म इंडस्ट्री का माफिया, दिल्ली तो ये तो बड़े आम से हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आप। और दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया। बिल्कुल। कोलकाता? हाँ, कोलकाता का भी बहुत सुना है नाम, तो ये एक बड़े शहर हैं जिनके अच्छे नाम हैं वहाँ पर। सही है। अच्छा, तीन मतलब तकरीबन 400 से ज़्यादा शहर हैं इनके। जी बिल्कुल। और हमारे जैसे चार सूबे हैं ना, इनके यहाँ 29 सूबे हैं और इसके अलावा 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि मणिपुर, नागालैंड, वो मतलब हरियाली वाले इलाके हैं, जंगलात हैं वहाँ पे, कबायली लोग हैं वहाँ पे, तो बहुत बड़ा है। 400 से ज़्यादा सिटी हैं, तो कितने सिटी होंगे, किस किस का नाम जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉपुलेशन भी उस हिसाब से फिर वैसे ही है वहाँ पर, जाहिर सी बात है इसी तरीके से जगहें भी वहाँ पर उतनी ही हैं जितनी ज़्यादा वहाँ पर आबादी है और जितना बड़ा वो इलाका है। लेकिन बहुत डेवलपमेंट भी अब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तरक्की भी हो चुकी है। इस शहर के बारे में कभी सुना था आपने? इस शहर का नाम नहीं, ये नाम बिल्कुल यूनिक सा नाम है और इसकी बड़ी यूनिक चीज़ें भी बताई गई हैं। तो और पोर्ट्स वगैरह यहाँ ज़्यादा है, बंदरगाहें ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी और आप कमेंट्स के ज़रिए से बताएंगे कि आपको कैसा लगा इनका बातचीत करना, कैसा लगा इनका अंदाज। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट के जरिए से बताएंगे। आप बताएं आप आना चाहेंगी या नहीं आना चाहेंगी, ये मेरे व्यूअर्स बताएंगे मुझे देख करके कि कितने मेरे फॉलोअरशिप बढ़ती है मेरे आने से, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा आपको। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।